जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कल्कि आज धरा पर आए हैं प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, हर एक जीव की रक्षा के लिए जो कि प्योर सोल्स हैं, जो धर्म के रास्ते पर चले हैं, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है वास्तव में अन्याय की इस दुनिया में किस प्रकार आगे वो सर्वाइव करें। और इसीलिए ऐसे समय में जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है, अभी भी पहुंचा नहीं है, अभी भी और बाकी है पाप में बढ़ोतरी होने में, तब भगवान कल्कि का अवतरण। क्वेश्चन उठता है कि भारतवर्ष में ही क्यों, क्यों नहीं वो पूरी दुनिया में यानी विदेशों में भी उनका प्राकट्य हो सकता है, उनका प्रकटीकरण भारतवर्ष में ही क्यों। आज मेरे वीडियो का यही टॉपिक है कि आखिर भारतवर्ष क्यों ही क्यों भगवान कल्कि ने अपने प्राकट्य के लिए चुना, क्यों वो भारतवर्ष में ही रहना चाहते हैं या पूरी दुनिया में भ्रमण करते हुए भी भारतवर्ष को ही क्यों उन्हें विश्व गुरु बनाना है। उनका बर्थ प्लेस बाहर भी कहीं हो सकता था, यानी अमेरिका है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, लेकिन भारतवर्ष की धरती क्यों ही क्यों उन्होंने चुना, और क्यों भारतवर्ष के लोग ही ये कहते हैं कि उनका प्राकटीकरण बस अब होने ही वाला है, यानी पब्लिकली वो सबके सामने बस अब आने ही वाले हैं। वो विदेशों में क्यों नहीं सबके सामने आने वाले हैं, क्यों विदेशी लोग इस बात को नहीं समझ पाते या नहीं जानना चाहते कि भगवान कल्कि उनके यहाँ भी आ सकते हैं। क्या विदेशों में हिंदू नहीं हैं? बिल्कुल हैं। क्या विदेशों में रहने वाले सनातन धर्म को मानते नहीं हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन उनका रेशियो आप कहेंगे बिल्कुल कम है, जबकि हमारे देश में वो रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि बाहर जो लोग रहते हैं वो लोग अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन सनातन को मानने वाले अब काफ़ी लोग सनातन संस्कृति से जुड़ते चले जा रहे हैं। अब लोग वैदिक परंपराओं को, वैदिक कल्चर को अब लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब हिंदू देवी देवताओं की तरफ बहुतों का आकर्षण हो रहा है, और इसीलिए आज बहुत बाहर से भी विदेशी जेंट्स और लेडीज अपने अपने धर्मों से विमुख होकर हमारे यहाँ आते हहैं और मथुरा में जाकर, बांके बिहारी में जाकर वो बस जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, और कहीं अयोध्या में जाकर कभी वो दर्शन करते हैं। तो जो मैं टॉपिक स्टार्ट की हूँ कि भगवान कल्कि का प्राकटीकरण भारतवर्ष में ही क्यों, क्यों नहीं विदेशों में हो सकता है, उसका रीज़न ये है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन हो सकता है मुझसे अलग हो, भारतवर्ष की भूमि वो पवित्र भूमि जहाँ पर देवी देवता गणों ने जन्म लिया एवं ऋषि मुनियों ने भी जन्म लिया, यही वो पवित्र धरती है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, माँ सरस्वती, इनकी ऐसी नदियाँ जो हैं पवित्र नदियाँ, वो हमारे देश में ही बहती हैं। हमारे देश में ही कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत है, हमारे देश में ही वो शक्ति है, यहाँ की संस्कृति में वो शक्ति है कि हर किसी को वो अपनी ओर खींच लाता है। हमारे देश में जिस वैदिक परंपरा के तहत पूजा पाठ होती है, भगवान की हम आराधना करते हैं, आजकल तो पूजा में भी दिखावटीपन आ गया है, लोग दिखावा करने ज़्यादा लगे हैं, शोर शराबा करने लगे हैं, लेकिन पहले के समय में जब पूजा होती थी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से होती थी, कोई दिखावा नहीं। तो आज भी उस परंपरा की तरफ इंसान धीरे धीरे लौट रहा है, लेकिन हमारे देश की संस्कृति जो है वो ऐसी संस्कृति है, हमारे देश का खान पान हो, हमारे देश की वैदिक परंपराएं हैं, हमारे देश का इंडियन कल्चर जो है, पहनावा जो है वो इस तरह का है, हमारी बोलचाल की भाषा जो है वो इस तरह की है कि एक अपनेपन का एहसास होता है। देवी देवताओं की भूमि भी इसी भूमि को इसलिए चुनी गई क्योंकि ये
हमेशा से ही युगों युगों से ही भगवान की बहुत प्रिय धरती रही है। भारतवर्ष पहले भारतवर्ष नहीं था, ये तो बहुत बाद में नाम पड़ा इसका। पहले जब ब्रह्मांड बना था, जब ब्रह्मांड की ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की, जब रचना की, तब ना कोई अमेरिका, ना कोई चाइना, ना कोई ऑस्ट्रेलिया, ना कोई ब्रिटेन और ना ही इंडिया, बल्कि सारी धरती एक जैसी। लेकिन धीरे धीरे इंसान आपस में बढ़ते चले गए, बोलियां आपस में बढ़ती चली गई, लेकिन सृष्टि की जब रचना हुई, कहीं ना कहीं भारतवर्ष की जो धरती भारतवर्ष के नसीब में आई, उस धरती के प्रति भगवान का भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रहा। इसलिए जितने भी विष्णु भगवान के अवतार हुए, उन सभी ने भारतवर्ष की भूमि पर ही जन्म लिया। यहीं पर महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध भी लड़ा गया। यहीं पर रामायण की भी जो घटना हुई, रावण का वध हुआ, वो भी यहीं पर हुआ। यानी असुरों का सर्वनाश और उसके बाद धर्म की स्थापना, और इस तरह से जब युग परिवर्तन हुआ, तो दुनिया वालों को एक ऐसा मैसेज आज भी जा रहा है आने वाले युग परिवर्तन को लेकर, आने वाले समय को लेकर, कि देखिए धीरे धीरे हर जगह भारतवर्ष की ही वाह वाही गूंज रही है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ के सांसद चिल्ला रहे हैं कि भारत तो पहुँच गया चांद पर, वहाँ पर तिरंगा लहरा दिया, लेकिन हमारा देश आज रोटी रोटी के लिए, अन्न के लिए तरस रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। काश हम लोग भी भारतवर्ष से अलग नहीं हुए होते। तो भारतवर्ष की जो परंपरा है, जो कल्चर है, आज भले यहीं के लोग उसे भूल चुके हैं और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन जब युग परिवर्तन होगा, भगवान कल्कि लाएंगे उस सनातन संस्कृति को इस धरा पर, जिसे हर कोई अपनाएगा। तो कल्कि भगवान को भी यही धरती, भारतवर्ष की धरती है बेहद प्रिय, भले ही बाकी लोग उन्हें इमाम मेदी कहें, या सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट कहें, या मसीहा का आगमन कहें, चाहे जो भी कह लें, लेकिन कहीं और नहीं, केवल और केवल हमारे देश की धरती वो पवित्र धरती है जिसे भगवान कल्कि ने चुन लिया अपने प्राकट्य के लिए, अपने प्रकटीकरण के लिए और अपने जन्म के लिए। इसके अलावा, इस धरती के अलावा, शायद उन्हें भी कोई ऐसी जगह पूरी दुनिया में नहीं मिली होगी जो कि इतनी पवित्र और जो श्रीहरि के, महादेव के दिल के इतने करीब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।